वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट वड़ा पाव। इसके लिए हमने लिए हैं, ये 5 से 6 आलू है। इसको हमने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। और ये बघार के लिए चीजें हैं, ये हींग है, ये जीरा, राई, करी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच है, हरा धनिया है, इसको साफ करके कट करके रखा है, मिर्चे हैं, हमारे यहाँ पे तीखा खाते हैं इसलिए हमने ज्यादा लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए, ये नमक अपने हिसाब से, ये बेसन का आटा है, इसमें डालने के लिए सोडा है। अभी हम मिर्चों को पीस के ले लेंगे, हमारी हरी मिर्ची पीस कर रेडी हो गई है। अब इसको हम बघार देते हैं, को भी हम हाथों के जरिए अच्छे से मैश कर ले। अब ये हमारे आलू मैश हो चुके हैं, अभी हम आलू के लिए बघार बनाएंगे। इसके लिए हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसको ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, 2 चम्मच काफी हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे ये राई, जीरा, करी पत्ता और ये हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। इसी में डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पीसी हुई इसी में डाल दो। थोड़ी सी हल्दी डाल दी इसमें, बस गैस को बंद कर। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, इस मसाले को इस बैटर में डाल दें। हमको आलू मसाले में पकाने की जरूरत नहीं है, इसी बैटर को ही हम इसमें डाल देंगे। जो नमक हमने निकाल के रखा था ये नमक इसमें डाल देंगे। ये हरा धनिया डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा वड़े पाव का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम मिक्स करते हैं बेसन के आटे को। अभी हम इस बड़े के आटे को मिक्स करेंगे। ये हमारा 1 कटोरी आटा है, इसमें ये हमारा नमक जाएगा। अभी हम पानी आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, गाढ़ा आपका बैटर चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रखा था, देखो तेल अच्छे से गरम हो गया है। हम सबसे पहले मिर्चे तल के लेंगे, मिर्चों को 2 करके लेंगे तो मिर्ची अच्छी तली जाती है। अक्की मिर्ची अच्छी नहीं लगती, अंदर से तली नहीं होती, तली नहीं जाती वो, इसलिए हम उसको 2 करके तलेंगे। हमारी मिर्ची फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल देंगे, इससे थोड़ा सा नमक लगा देंगे।
लीजिए, हमारे वड़े के लिए गोले बना देते हैं। ये हमारे बॉल बनाकर ले लेंगे हम। चेक कर ले तेल हमारा गर्म है कि नहीं। माशाल्लाह से तेल सही से गर्म हो गया है। बड़े हमारे डाल देते हैं। वड़े तल कर रेडी हो गए हैं तो निकाल। बड़े रेडी हो गए हैं। रेडी हो गए। अभी हम इसको चटनी लगा के बताते हैं। ये हमारे वड़े पाव बनके रेडी हो गए हैं। आप भी ट्राई कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।